हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आए हैं एडवेंचर आइलैंड यानी कि मेट्रो वॉक। तो दोस्तों, इसका क्या टिकट प्राइस है और ये कहाँ पड़ता है, ये सब जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले जाने वाले हैं विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम पिंक लाइन से मेट्रो पकड़ेंगे। दोस्तों, विनोबापुरी से मैंने नेताजी सुभाष प्लेस के लिए मेट्रो ली थी और ये नेताजी सुभाष प्लेस हम आ चुके हैं। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से रिठाला की तरफ। तो रिठाला जो है हमें के लिए मेट्रो जो मिलेगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाने के लिए साइन कुछ बने हुए नीचे रिठाला की ओर, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो मैं अभी पहुंचने वाला हूं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और आपको सामने ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिख जाएगा। और ये मेट्रो वाला आया है, इसने काफ़ी बेइज्जती कर दी हमारी। इसने थोड़ा सा रुकाया पहले, फिर अचानक बढ़ा दी गाड़ी को और रुकाया भी नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी मैं हूँ नेताजी सुभाष प्लेस पे। तो थोड़ी देर में अभी मेट्रो वॉक आइलैंड पहुँचने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेताजी सुभाष प्लेस पर हूँ और अभी मेरी रिठाला के लिए मेट्रो आ चुकी है। तो अभी मैं मेट्रो में बैठने वाला हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरी मेट्रो आ गई है। तो अभी मेट्रो का जो गेट है वो खुलने वाला है, जैसे ही खुलेगा मैं मेट्रो के अंदर हो जाऊंगा। देख सकते हैं कुछ कन्या निकली हुई हैं और रास्ते में आपको एम्बियंस मॉल भी दिखेगा। अगर आप रिठाला की तरफ जा रहे हैं तो आपको एम्बियंस मॉल भी पड़ेगा ये। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रिठाला और हमारी गाड़ी जा चुकी है, देख पा रहे हैं हम रिठाला आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप रिठाला पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें किस गेट से एग्जिट होना है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपको गेट नंबर 3 की तरफ से एग्जिट होना है, जहाँ से मेट्रो वॉक यानी कि एडवेंचर आइलैंड है जो सबसे नज़दीक पड़ेगा। हम गेट नंबर 3 से एग्जिट हो चुके हैं और अभी हम मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, हम गेट नंबर 3 से एग्जिट हुए हैं और ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको ये ऑटो रिक्शे मिल जाएंगे। और मुझे काफ़ी प्यास लगी थी तो मैंने गन्ने का जूस पिया बाहर निकलते ही। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है हमारा मेट्रो वॉक, तो आप पैदल जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक पहली रेड बत्ती मिलेगी, तो आपको उससे टर्न हो जाना है। और आप देख सकते हैं ये मेट्रो वॉक का सामने का एरिया है, जहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं काफ़ी सारी खाने पीने की। और देख सकते हैं ये एडवेंचर आइलैंड लिखा हुआ है, कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी डिजाइन से बनाया गया है और ये हम इंटर हो चुके हैं यहाँ पर इसके फील्ड में। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पार्किंग बनाई गई है और यहाँ पे कार का 50 रुपीज़ और बाइक का 30 रुपीज़ लगता है पार्किंग का। तो ये देख सकते हैं मेट्रो वॉक के बाहर ही जस्ट बच्चों के लिए ये झूले बनाए गए हैं। और ये मेन गेट रहा एडवेंचर आइलैंड का, फ्री एंट्री है आपको बाहर। जो इसके अंदर की जो घूमने की चीज़ें हैं वो सारी फ्री है। यहाँ पे आपको एंट्री करने के बाद में अपना बैग चेक कराना पड़ेगा, आप खाना अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और इन्फॉर्मेशन के अंदर बना हुआ है। आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपको पास में ही इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ यह पार्क देखने में एक बहुत ही शानदार दृश्य प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का सबसे अच्छा संग्रह मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तालाब बना हुआ है और इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ 120 से भी ज़्यादा राइड्स हैं जो जिसके अलग अलग प्राइस हैं।
तो बोटिंग करने के आपको 100 रुपये लगेंगे, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो वास्तव में इस स्थान को कुछ खास बनाता है। यहाँ पर आकर आपको एडवेंचर आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कई झूले और सवारियाँ मिलेगी जो आपको काफ़ी मनोरंजन प्रदान करेंगी। ये देख सकते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स लेके आए हैं। तो देख सकते हैं झूला आप खाली चल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। गाइज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।